हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। पुरोहितों का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। तीर्थ पुरोहित वह ब्राह्मण होते हैं जो कि श्रद्धालुओं के पूजा कर्मकांड, क्रियाक्रम आदि धार्मिक कार्य संपन्न करवाने का काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहित की मान्यता उसी ब्राह्मण को मिलती है जिनके पुरखों की हरिद्वार में गद्दी स्थापित हो, जहां से कई वंशों से तीर्थ पुरोहित का कार्य किया जा रहा हो। एक पुरोहित की पहचान ही वही खाते ही हैं, जिनके आधार पर हम लोग अपना ये पुरोहिताई का कर्म करते हैं। जो जिस क्षेत्र का पुरोहित होता है उस क्षेत्र का पुरोहित के अनुसार उसके पास उस तरह का सारे इलाके का जो है उनके पास बायोडाटा एक वही के रूप में होता है, जिसके हमारे पास आने वाला यात्री को हम लोग दिखा करके उसको अपना विश्वास दिला करने के बाद फिर अपने आप को हम उसका पंडा कराने का अधिकार रखते हैं। हरिद्वार को हिंदू धर्म के सात पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल से इस शहर में मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न हिंदू अनुष्ठान होते रहे हैं। वह तीर्थ पुरोहित ही है जो इन सभी संस्कारों और अनुष्ठानों को करता है। जिन पुस्तकों में पुजारियों के रिकॉर्ड रखे गए हैं वे तीर्थ पुरोहित की पैतृक संपत्ति है। हाँ, ये हमारी पैतृक संपत्ति में आता है। पैतृक संपत्ति हमारे जो बुजुर्गों की जो धरोहर है वो पैतृक संपत्ति यही है। हमारे बुजुर्गों ने तीर्थ में, ये तीर्थ है हरिद्वार, एक तीर्थ है, तीर्थ को तीर्थ के रूप में देखा। तीर्थ में उन्होंने अपनी कोई इसके अलावा कोई अपनी संपत्ति नहीं बनाई, सिर्फ ये भैयात ही बना के गए हैं। हमारे पूर्वजों की सोच रही है कि तीर्थ में ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में हमारे को एक अमूल्य धरोहर, हमारे जो पूर्वज हैं ये वही के रूप में देखे गए हैं, जो कि इसकी हमारी एक निजी संपत्ति के रूप में इसको हम देखते हैं। प्रत्येक तीर्थ पुरोहित को कुछ विशेष क्षेत्र, राज्य, गांव, गोत्र, जाति आदि विरासत में मिलती है, जिस पर केवल उन्हें संस्कार करने का अधिकार होता है। इस बही खाते में आपकी वंशावली सहेज कर रखी जाती है, जिसमें आपके पूर्वजों का इतिहास लिखा होता है। तीर्थ पुरोहित के अनुसार पुस्तक लेखन इतना महत्वपूर्ण है कि इसको भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भी मान्यता प्राप्त है। इस बही को वंशावली कहते हैं। हमारी इन बहियों में यही मान लो कि वंश की परंपरा के अनुसार लगभग 200 साल का रिकॉर्ड, 300 साल का रिकॉर्ड हमारी बहियों में है, जिसमें आजकल के समय में 10-12 पीढ़ी तक की रिकॉर्ड बही में हमारी मौजूद है और कोर्ट की तरफ से भी इसको मान्यता है। आजकल जो भी यात्रियों के आपसी विवाद या किसी के विवाद कोर्ट के चेहरे में चलते हैं उसमें हमारी वही जो है गवाह के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तीर्थ पुरोहित अपनी पुस्तक में कई सौ वर्षों का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें यजमानों के नाम और उनकी वंशावली, नाम, पिता का नाम, दादा परदादा का नाम, निवास क्षेत्र, राज्य, गांव, गोत्र, जाति आदि लिखा होता है। यदि वंश में कोई लड़का नहीं है तो तीर्थ पुरोहित अपनी पुस्तक में बेटी का नाम दर्ज करता है। बेटी है, उसके कोई और लड़का नहीं है, दामाद है, लड़की है, तो जो उसके लड़की के माँ बाप होते हैं वो अपनी संपत्ति सब लड़की के नाम कर जाते हैं, क्योंकि तो उसका वही वारिस हो गया, तो वो प्रॉपर्टी टोटल लड़की के घर आ जाती है, यानी कि दामाद की, और देख 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 जो भी होगी वो दामाद ही करेगी। तीर्थ पुरोहित की पुस्तक का मूल्य साधारण पुस्तक की कीमत से लेकर लाखों तक हो सकती है। ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में तीर्थ पुरोहित ने कहा कि किसी भी पुस्तक का मूल्य उसकी वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये तो जो जैसे जैसे उसकी आवक होती है, जैसे जैसे जाते आता है, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, जैसे जैसे जिसकी भी संपत्तियां होती हैं, जिसकी जैसी आमदनी होती है उस हिसाब से होती है। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।